नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। विश्वकर्मा योजना सिर्फ सरकारी प्रोग्राम नहीं, भारत के कौशल को जीवित रखने का रोड मैप है, बोले पीएम मोदी। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए केंद्र से की सरकारी आवास की मांग। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, दिखा रहा अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी XRP का एड। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP का एड वीडियो शो हो रहा था। XRP क्रिप्टो करेंसी US बेस्ड कंपनी रिपल लैब्स ने डेवलप किया है। सुप्रीम कोर्ट की IT टीम ने इस मामले को नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के समक्ष उठाया है। मंडी में नगर निगम ने अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटा, 30 दिन में गिराने के लिए दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। मंडी में नगर निगम ने अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटा, 30 दिन में गिराने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। मस्जिद में अवैध निर्माण पर नगर निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। नगर निगम ने आगामी कार्रवाई करते हुए बिजली बोर्ड और IPH विभाग को बिजली पानी कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। इस अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिराने की मांग को उठाते हुए हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे थे। इसी दिन निगम कोर्ट के आयुक्त ने इस मस्जिद के पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए 30 दिन के भीतर गिराने के आदेश जारी किए थे। यूपी के बहराइच में फिर देखे गए 4 भेड़िए, दहशत में जी रहे 50 गाँव के लोग। कतर एयरवेज ने लेबनान की फ्लाइट में यात्रियों के वॉकी टॉकी और पेजर ले जाने पर लगाया बैन। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर फैसला आज, रेप केस में काट रहे उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। गायत्री प्रजापति को साल 2017 में एक महिला द्वारा लगाए गए गैंगरेप के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रजापति पिछले 3.5 साल से इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आईफोन 16 सीरीज की आज से शुरू हुई बिक्री, मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर उमड़ी भारी भीड़। प्रीमियम मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने आज यानी 20 सितंबर से भारत में आईफोन 16 सीरीज के स्मार्टफोन की बिक्री शुरू कर दी है। इस फोन को खरीदने के लिए लोगों में होड़ देखने को मिल रही है। सुबह से मुंबई के BKC में एप्पल स्टोर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आईफोन 16 सीरीज में 4 नए फोन्स को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको डिजाइन से लेकर फीचर्स तक आईफोन के मामले में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ये पहला मौका है जब कंपनी ने नए आईफोन को पुराने से कम कीमत पर लॉन्च किया है। खासकर भारत में आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस को 5 कलर वेरिएंट में पेश किया गया है। भारत ने एक वर्ष के लिए मालदीव को दी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता। भारत ने मालदीव की मुइज्जू सरकार के अनुरोध करने पर और एक साल के लिए करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे यहाँ की सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने इससे पहले 13 मई को 50 अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को मंजूरी दी थी। यह लगातार दूसरी बार है जब भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता दी है। 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और बाइडेन की होगी मुलाकात। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच में अश्विन जडेजा के कमाल से मजबूत स्थिति में आई टीम इंडिया। लैब रिपोर्ट आने के बाद CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान, बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी वाले मिलावटी घी की पुष्टि होने के बाद आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राज्य में सत्तारूढ़ TDP ने दावा किया है कि तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए गौमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने पर उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का पता चला। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया है कि गुजरात स्थित एक लैब ने मिलावट की पुष्टि भी की है। 9वीं बार अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं PM मोदी। बतौर PM वह अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और अब 9वीं बार PM मोदी वहां यात्रा करने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के 4th शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जो 21 सितंबर को डेलावेयर के विल्मिंगटन में आयोजित होगा। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होगा। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 73,705 रुपए, जबकि चांदी के भाव 80,612 रुपए किलो हैं। राहुल गांधी अगले सप्ताह जम्मू में विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स से करेंगे मुलाकात।
इजराइल की लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक के 70 से ज्यादा हमले, हिजबुल्ला के 1000 रॉकेट बैरल तबाह, हथियार डिपो भी बरामद हुए। भारत बोला यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत का रिकॉर्ड बेदाग, नहीं हुआ नियमों का उल्लंघन। भारत से गोला बारूद यूक्रेन भेजे जाने से जुड़ी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारतपूर्ण बताया। रिपोर्ट पर सवालों को जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने रॉयटर्स की रिपोर्ट देखी है, यह अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है, इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह थी देश दुनिया की ताजा खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा के रोहतक में राहुल बाबा और पलोटरा गैंग के बीच गोलाबारी में 3 की मौत। केजरीवाल पंजाब से हरियाणा के हक का पानी दिलवाएं, भाजपा जो कहती है वो करती है, बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के हरियाणा में प्रचार करने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब से हरियाणा के हक का पानी दिलवाएं। हरियाणा के यमुनानगर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल जी क्या लोगों को सरकार देंगे, सबसे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो सबसे पहले हमें हरियाणा का पानी दिलवाएं और फिर वोट की बात करें। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जन्म हुआ था और आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा की सारी सीटें आ रही है और आपका दीपक अब बुझ चुका है, ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में आकर क्या उजाला करेगी। रेवाड़ी में कल से स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू, केजरीवाल भगवंत मान करेंगे दौरा, तेजस्वी यादव अपने जीजा चिरंजीव राव के लिए करेंगे प्रचार। हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री को झटका, पूर्व सांसद ने साथ छोड़ा, निर्दलीय सावित्री जिंदल को समर्थन, बोले जो झुकते नहीं वे टूट जाते हैं। हरियाणा के जाने माने बिजनेसमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने हिसार में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल को समर्थन दे दिया है। पलवल में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर भाई को भी पीटा, माथे और चेहरे पर चोट के निशान। गुरुग्राम में निर्दलीय नवीन ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव से हटने को कहा, वैश्य समाज में नाराजगी। हरियाणा में बीजेपी में टिकट वितरण के बाद बागियों के तीखे तेवर के पार्टी शीर्ष नेतृत्व की नींदें उड़ा दी हैं। गुरुग्राम सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है, ऐसे में बागी नवीन गोयल के धुआंधार प्रचार हो रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के करीबी बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, नलवा विधानसभा सीट में देवाम गांव में ग्रामीणों ने घेरा, लोगों को हटाते दिखे रणधीर पनिहार। हरियाणा में हिसार जिले के नलवा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार का देवम गांव में विरोध किया गया। यहां गांव वालों ने पनिहार को घेर लिया और सवाल जवाब करने लगे। यह सवाल किसान आंदोलन और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर थे। रोहतक में पूर्व मंत्री का हुड्डा पर निशाना, मनीष ग्रोवर बोले झूठ की कर रहे हैं राजनीति, पूर्व सीएम बताएं घोषणा पत्र में कितने वादे पूरे किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भतीजों पर राजनीति, सुबह कांग्रेस में हुए शामिल, शाम को बीजेपी उम्मीदवार के साथ कांग्रेस पर ही लगाने लगे आरोप। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर के पार्टी में शामिल होने को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। सुबह रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने रमित खट्टर को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया था और शाम होते होते बीजेपी उम्मीदवार के साथ में मिलकर कांग्रेस पर ही आरोप लगाने लगे। विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल आज से शुरू करेंगे हरियाणा में चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल ने आज यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में अपना पहला रोड शो किया। जगाधरी के बाद अरविंद केजरीवाल डब्बाली, रनिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, आसंद और बल्लभगढ़ और बादरा में भी चुनावी प्रचार करेंगे। इस दौरान केजरीवाल 11 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे जहाँ पर उनके 13 कार्यक्रम होंगे। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।